हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के ब्यूटी डायरी। सो आज मैंने आपके लिए ये लुक क्रिएट किया है एंड इसमें मैंने थोड़ा सा अलग आई लुक ट्राई किया है। सो ये एक वेडिंग गेस्ट कह लो या आफ्टर मैरिज यू कैन कैरी दिस लुक। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ कोकोनट क्रीम बाय वाव। सो ये मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड टोनर भी अप्लाई कर लिया है। देन मैं क्रीम लगा रही हूँ एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये बायोटिक का SPF। एंड स्किन केयर एज यू नो इज अ मस्ट, तभी आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगता है। सो या नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ प्राइमर एंड मैंने लिया है यहाँ पे लैक्मे का वो परफेक्टिंग प्राइमर। ये मैंने सिर्फ टी जोन पे अप्लाई किया है बिकॉज वो मैट है एंड मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा शाइन चाहिए था आपके फेस पे, ड्यूई लुक चाहिए था। दैट्स व्हाई आई यूज दिस स्विस ब्यूटी का प्राइमर, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है ये एंड इसे मैं ऑल ओवर माय फेस अप्लाई कर लूँगी। देन थोड़े से डार्क सर्कल्स को कवर कर लेंगे हम यूजिंग एन ऑरेंज करेक्टर। एंड अगर आपके कोई रेडनेस है तो आप ग्रीन करेक्टर यूज़ कर सकते हैं एंड पर्पल भी। सो यह मुझे थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं तो डार्कनेस को कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑरेंज। एंड ये मैंने लिया है बाय NYB माउथ के अराउंड एंड थोड़ी सी पिंपल वगैरह हो गई हैं वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी। सो एंड उसके बाद आप उनको अच्छे से उसे ब्लेंड भी करना है ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो थोड़ा हार्श ना लगे एंड प्रोडक्ट उसके बाद जो हम अप्लाई करेंगे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सो या सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज विद आईज़। यहाँ कंसीलर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो मैं अपनी आईलिड्स एंड लोअर लैश लाइन के वहाँ पे भी अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ मैं आज यूज़ कर रही हूँ दिस वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट, ये है बाय SFR का फ्लावर शो पैलेट है ये एंड इसमें से मैंने एक लाइट सा ब्राउन शेड लिया है अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है एक रोजी सा पिंक शेड एंड उसे भी मैं अपने आउटर वी से कनेक्ट करते हुए क्रीज तक ले जाऊँगी। सो ध्यान रखिएगा आपको लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो उसे ज़्यादा अप्लाई करना है, धीरे धीरे आप उस प्रोडक्ट को अंदर ले जाएंगे ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट अंदर की तरफ ना आएगा बिकॉज हमको आइज में डेप्थ आउट बाहर से ही देनी होती है। दैट्स व्हाई एंड साइड में मैंने एक और डार्क पिंक शेड लिया है एंड उसे मैं इनर एंड आउटर वी में अप्लाई कर लूँगी। सो यहाँ मैं एक होलो आई मेकअप ट्राई कर रही हूँ। सो या थोड़ा सा और डेप्थ देने के लिए मैं यहाँ पे बर्गंडी सा शेड ले रही हूँ, इसे भी मैं अपने इनर एंड आउटर वी में अप्लाई कर लूँगी। सो ऐसी आई लुक पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लेंडिंग एंड ब्रशेस का भी इस्तेमाल थोड़ा सा देखिए कीजिए बिकॉज अगर बड़ा ब्रश होगा तो वो प्रोडक्ट फैल जाएगा, अगर आप छोटा ब्रश अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही प्रिसाइज लुक देगा एज यू कैन सी। एंड फिर हम उसे ब्लेंड कर लेंगे। सो यहाँ मैंने थोड़ा सा ब्लैक भी लिया है, ब्लैक से थोड़ी और अच्छे से डेप्थ आ जाएगी। सो आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं आपके लुक को। एज आपने देखा मैंने लाइट शेड लिया एंड उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने जो कलर स्कीम है उसको डार्कन कर रही हूँ। एंड यहाँ मैंने कंसीलर लिया है मिड में, यह है बाय स्विस ब्यूटी, काफ़ी अच्छा कंसीलर है गाइस, हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं, आप प्लीज़ बाय कीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल है ये आपके लिए, अंडर 200 रुपीज़ आ जाता है ये। सो यहाँ मैं एक गोल्डन सा शेड ले रही हूँ एंड सबसे पहले मैं इसको सेट कर लूँगी, एक क्रीम शेड है या क्रीम शेड है इसी पैलेट में से एंड उसके ऊपर हम लगाएंगे दिस गोल्डन शेड। एंड गाइस इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, एज यू कैन सी मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ इसको देख के। सो या एंड उसकी एजेस को भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि सब कुछ इवन लगेगा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं उसको और डेप्थ दे रही हूँ, सो धीरे धीरे आप अपने आई लुक के अकॉर्डिंग
देख लीजिए। एंड यहाँ मैं शिमर के ऊपर लगा रही हूँ ग्लिटर। सो ये थोड़ा सा मल्टी कलर ग्लिटर है बिकॉज मेरी जो साड़ी है वो है रानी शेड में एंड उसमें थोड़ा सा वाइट वर्क है, वाइट गोल्डन मिक्स वर्क है। सो यहाँ मैं मल्टी कलर यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ मैं लाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कॉलसल। इसकी टिप बहुत अच्छी है गाइज एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड ये मेबलिन का प्रोडक्ट है एज यू नो, बहुत ही अच्छा वर्क करता है एंड इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है, जेड ब्लैक है। सो यहाँ थोड़ी सी विंग, बहुत ही पतला सा लाइनर लगाया मैंने। एंड यहाँ मैंने लैशेज अप्लाई कर ली हैं, ये है 3D लैशेज मिंक। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा एंड ये है बाय लॉरियल पेरिस का, काफ़ी अच्छा मस्कारा है गाइज। अगर आप सिर्फ मस्कारा भी अप्लाई करना चाहते हैं, लैशेज नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू कैन ट्राई दिस वन, बहुत अच्छे से लिफ्ट देता है आपकी लैशेज को। एंड यहाँ मैं अब कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ये है बाय NYBAE एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल है एंड बहुत ही क्रीमी एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड इसका कवरेज भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ इसे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी शेड वेरिएंट भी काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस पर्पल का फाउंडेशन एंड उसे में मैंने वेट एंड वाइल्ड का डेजर्ट बेज मिक्स किया है। सो ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है गाइज। एंड ये आपको purple.com पे मिल जाएगा। इसमें भी शेड वेरिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं, मेरे से एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने परचेस किया था थोड़ा लाइट शेड आ गया था, दैट्स व्हाई मुझे मिक्स करके इसे यूज़ करना पड़ता है। बट आप शेड अब आई थिंक ट्राई ऑन उसमें होता है सो आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगा लिया है इन द लाइट शेड एंड यहाँ मैंने NYBAE का डार्क कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एज अ कंटोर। तो काफ़ी डार्क शेड है ये मेरी स्किन टोन के टाइप एंड ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अपनी नोज एंड यूजुअल एरियाज़ को मैं कंटोर कर लूँगी। वैसे तो क्रीम कंटोरिंग मैं काफ़ी कम ही करती हूँ बट आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू। सो या एंड ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर तो एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सो अगर आप एक ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं एंड कोई ब्रश नहीं यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप अपना कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करें, देन आप कंटूर को ब्लेंड करें। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट या हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे बिकॉज इसकी ब्लेंडेबिलिटी अच्छी है, इस प्रोडक्ट की ब्लेंड हो ही जाता है। एंड थोड़ा सा हार्श भी हो जाए तो डोंट वरी, आप पाउडर कंटूर से उसे सेट कर लीजिएगा बाद में। एंड अगर डार्क हो जाता है तो उसे लूज पाउडर की हेल्प से आप कर सकते हैं। एंड यहाँ मैं अपने कंटूर को थोड़ा शार्प दिखाने के लिए मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। एंड आप चाहें तो डायरेक्ट सेट कर सकते हैं ब्रशेस से, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बेकिंग भी कर रही हूँ अंडर माई आईज। अगर आप बहुत ड्राई स्किन है तो डोंट गो फॉर बेकिंग, जस्ट सेट योर फेस विद अ पाउडर ब्रश। एंड यहाँ मैं एक डार्क ब्राउन सा शेड, लाइट ब्राउन सा शेड लेके मैं इसे ब्रॉन्ज अप कर लूँगी। एंड इसी पैलेट में से आज मैं सारे शेड्स लूँगी फॉर माई ब्रॉन्जिंग, ब्लश एंड हाईलाइटिंग। सो ब्लश भी मैंने ये पिंक सा शेड जो अप्लाई किया था अपनी क्रीज में उसी को लेके ब्लश अप्लाई कर लूँगी। एज ये पैलेट जो है काफ़ी मल्टीटास्किंग है एंड पिगमेंटेड भी काफ़ी अच्छा है तो या सो लाइट पिंक सा शेड लेके मैं अपनी लोअर लैश लाइन को स्मज आउट कर लूँगी एंड देन वही ब्राउन बर्गंडी बर्गंडी सा शेड है उससे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ओके, यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ काजल बाय लॉरियल, तो काफ़ी पिगमेंटेड और अच्छा काजल है गाइस एंड ये अफोर्डेबल भी है, अराउंड 500 to 600 में आपको मिल जाता है। एंड मैं अपनी वाटर लाइन को भी इससे ही
फिल कर लूँगी एंड ले आऊँ। सो आईब्रोज भी मैं इस पैलेट से ही फिल करूँगी। सो यहाँ मैंने भी वही सेम ब्राउन शेड लिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ब्लैक में मिक्स करते कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्राउज कलर। जस्ट सिंपली फिल कर लेंगे। अगर थोड़ा एक्सेस भी हो जाए तो आप लूज पाउडर से उसे इवन आउट कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी यूजिंग सिस वुडी का इल्यूमिनेटिंग सेटिंग स्प्रे एंड थोड़ा सा अपनी लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ। और इसमें एक वाइट शेड है उससे मैं अपने टियर डक्स एंड ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। एंड जो शेड लिया है मैंने उसी से मैं अपने फेस की हाईलाइटिंग भी कर लूँगी। काफ़ी पिगमेंटेड है एज यू कैन सी। सो आज तो पूरा फुल फेस ऑफ SFR फ्लावर शो पैलेट से हो गया है। सो देखा गाइस बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती आपको किसी फैंसी प्रोडक्ट्स को परचेज करने की। अगर आप बिगनर्स हैं, आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करना चाहते तो आप ये सारे हैक्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने NYB का जो लिप पैलेट है वो लिया है। उसमें से एक न्यू शेड लेके मैं अपने पूरे लिप्स को फिल कर लूँगी लाइनिंग करते हुए। एंड लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस रेने की लिपस्टिक एंड उसमें से एक पिंक न्यूड शेड्स है। इसमें सारे न्यूड शेड है एंड इसका मैंने फुल जो भी रिव्यू है वो भी दिया है एक वीडियो में। उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ ब्लश थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं सेम रहने की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। सो काफ़ी सारे हैक्स हो गए इस वीडियो में। ओके गाइस, सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। सो यहाँ मैं वेयर करी है दिस लहरिया वाली साड़ी एंड या आज आई थॉट पोनी लुक किया जाए। मैं हमेशा ओपन हेयर्स ही रखती हूँ दैट्स वाई। एंड थोड़ी सी मुझे कमी लग रही थी तो सो मैंने लिक्विड लिपस्टिक ली है एंड उसी से मैं बिंदी अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसको सेट करने के लिए मैंने इसी पैलेट में से एक डार्क पिंक शेड ले लिया है। सो या गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।